यूपी के अवध की रायबरेली सीट कई बार इतिहास लिख चुकी है। इतिहास जनता से रिश्ते निभाने का, इतिहास अपनी अलग पहचान का, इतिहास एक सियासी परिवार से गहरे लगाव का, वो लगाव जो 2019 के चुनाव तक कायम रहा है। इस बार बारी 2024 के संग्राम की है और नेहरू गांधी परिवार से आम वोटरों का प्यार नई कसौटी पर कसा जाने वाला है। रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में हैं और बीजेपी के निशाने पर सीधे नेहरू गांधी परिवार है। तो उनकी सही है, रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो। बीजेपी यहां नेहरू गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है तो कांग्रेस परिवार को अपना पावर मानती है। इसीलिए तो राहुल गांधी ने इस बार यूपी की अमेठी सीट को छोड़कर रायबरेली को चुनाव लड़ने के लिए चुना। पिछली बार रायबरेली से सोनिया गांधी जीती थी, इस चुनाव में यहां से राहुल कांग्रेस के चैलेंजर हैं। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया, मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। मेरी माता जी सोनिया जी जो यहाँ आई वो आपकी एमपी रही और उनका भी आपके साथ प्यार का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है और उन्होंने भी आपके साथ सिर्फ सच्चाई बोली है, सिर्फ सच्चाई बोली है, सिर्फ सच्चाई बोली है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अग्निवीर का बोलूंगा, आपका और मेरा रिश्ता दिल का रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है और मैं आपके लिए जो भी मैं आपसे कहूंगा वो मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा। ये रायबरेली क्षेत्र है, इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा प्रेम भरा, श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को अटूट रखने के लिए आज मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी यहाँ से आपके प्रत्याशी बने हैं। आप 100 सालों से सबसे जागरूक जनता है, यहाँ से देश को संदेश दीजिए कि आप एक नई तरह की स्वच्छ राजनीति चाहते हैं और मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। 17 मई को रायबरेली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही अखिलेश यादव एक मंच पर थे। नेहरू गांधी परिवार के तीनों बड़े चेहरों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी ये जाहिर करने वाली थी कि इंडिया गठबंधन यहां जीत ही नहीं महाविजय हासिल करना चाहता है। ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है, रायबरेली की यही राय है भाजपा यहां से जाए। वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं वो भी गिनती समझ लें, एक और एक, एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। माहौल जो है कैसा माहौल? माहौल बिल्कुल एकदम राइट टू हैंड आपको दिखाई दे रहा माहौल क्या है, जोश और जुनून कांग्रेस में है। जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के अंधियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अब की बार 5 लाख पार राहुल गांधी, 5 लाख पार राहुल गांधी, 5 लाख पार
राहुल गांधी जी इतिहास में जो है भारी मतों से, इतनी वोटों से जीतेंगे कि आप इतिहास गवाह रहेगा इसका। ये तो मोहब्बत की दुकान की राजधानी है, यहाँ आप बात ही मत करिए कौन कितने से जीत रहा है, बस मार्जिन देखिएगा। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे और बीजेपी यहाँ बहुत बुरी तरीके से परास्त हो रही है और पूरे देश के लेवल पे 180 पार नहीं कर रही है। क्या रायबरेली में काम वाम हुआ? हाँ, काम वाम होता है जी। किसने किया काम यहाँ? मोदी जी ने। और राहुल जी ने? राहुल जी ने कुछ भी नहीं किया। 8-8 लड़कियां कहाँ खिलाएंगे, कहाँ हमको दिया, आप कहाँ दिया, कुछ नहीं ना दिया, किसके कहाँ पाएंगे, तो हम शादी करेंगे। रायबरेली की जमीन पर हर तरफ अलग ही जोश दिखता है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के, या फिर कांग्रेस के साथ कंधा मिलाकर चल रहे समाजवादी पार्टी के। सबके अपने अपने दावे दिखे, अपनी अपनी उम्मीदें नजर आई, लेकिन इस राह में चुनौतियां भी हैं। कांग्रेस को किला बचाना है तो बीजेपी के सामने पार्टी की गुटबाजी पर आखिरी वक्त तक काबू रखना बड़ा चैलेंज है।